बीजेपी के अगर बड़े नेता पश्चिम बंगाल में कदम रखते हैं, बड़े नेताओं में मैं नाम ले रही हूं, दिलीप घोष का, जेपी नड्डा का, कैलाश विजयवर्गीय का, अगर उनके ऊपर हमला हो जाता है और आपकी सरकार में वहां पर यह हमला होता है, इस हमले को रोक पाने के लिए जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी वो नहीं मिलती है, जो एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं होता है, तो सवाल तो उठेंगे ना सर? नहीं, जरूर जरूर। अब देखिए, हमारे कहने का मतलब वो सवाल उठाए ना, लेकिन उसके लिए पुलिस है, जांच कमेटी है, आपको पुलिस ने जांच कमेटी के द्वारा गुजरना होगा, देखना होगा कि ये जो पत्थरबाजी हुआ था इसका कैसे पत्थरबाजी हुआ था, तो कर रही है। नहीं, यही तो वो सवाल उठा रहे हैं ना शाकिर अली जी, शाकिर अली जी यही सवाल उठा रहे हैं वो, यही सवाल उठा रहे हैं वो कि पुलिस अपने तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। और सवाल इसलिए भी कि आप लोग तो राज्यपाल तक पर सवाल उठा रहे हैं, आप तो उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं, आपके नेता तो जा रहे हैं ना राष्ट्रपति के पास कि उनको हटा दीजिए बंगाल से। हाँ हाँ हाँ, गए हैं 5 सांसद, गए हैं, लिखित रिटर्न दिए हैं, लेकिन राज्यपाल जो साल भर उनको यहाँ पर भेजा गया है राजनीति करने के लिए, लेकिन क्यों बोलना पड़ रहा है राज्यपाल को ये सब? क्यों राज्यपाल को स्टेटमेंट इस तरह के देने पड़ रहे हैं? अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो फिर मैं उनको उनके दायित्व की याद दिलाऊंगा, तो क्या क्या गलत कह दिया ऐसा? राज्यपाल का भी दिलीप घोष से ज्यादा दिमाग खराब हो गया है, वो राजनीतिकरण कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बंगाल में चुनाव का जिम्मेदारी उनका है। क्या राज्यपाल के लिए आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए सर? नहीं, संवैधानिक पद देखिए सर, समझिए, आरोप यही है आपकी सरकार के ऊपर कि देश में जो संघीय ढांचा है, आप तो उस संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। आरोप यही लग रहा है कि आप उस संघीय ढांचे पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है, दिमाग तो आप लोगों का खराब हो गया। केंद्र और राज्य को जो सामंजस्य बिठाकर काम करना चाहिए वो नहीं है पश्चिम बंगाल में। वो भाषण एक संवैधानिक पद को आप इस तरह से अपमान नहीं कर और सकते। अच्छा समय है परिवर्तन करने का, क्या ये कोई राज्यपाल बोल सकता है कि ये मौका आपको नहीं गंवाना है? 2021 आ रहा है, आप परिवर्तन अच्छा की बात उन्होंने नहीं कही है। 2021 आया है, आप वोट दें। आप मैं आशुतोष और संगीत आगे जी के पास जाऊंगी, लेकिन अर्जुन सिंह जी फटाफट इस सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका बड़ा आरोप ये है कि अगर राज्यपाल ही एक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने लगे तो फिर हमें तो शिकायत का अधिकार है। जो जीत क्या है अर्जुन सिंह जी, अर्जुन भाई जो जीत क्या है टीएमसी से, देखिए मीनाक्षी जी, रविन्द्रनाथ ठाकुर के लिए ममता बनर्जी आंसू बहा रही है और उस यूनिवर्सिटी की जमीन दखल करवाने के लिए गुंडे भेजे थे इन्होंने। अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, अगर जितने अत्याचार और रविंद्रनाथ टैगोर की जो यूनिवर्सिटी है उनके नाम पर, वहां जब जमीन लूटी जा रही थी तो अमर्त्य सेन का जबान नहीं खुला था। और शाकिर अली ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये जिहादी लोग पूरे बंगाल को तहस नहस करके, रोहिंग्या बंगाल में आकर रहेंगे तो वो इनके भाई हैं। जी, मेरा सवाल आपसे ये है, रोहिंग्या जब अर्जुन सिंह जी, मेरा आपसे सवाल ये है, उनका आरोप है कि अगर राज्यपाल एक्टिव विपक्ष की तरह काम करने लगेंगे तो फिर तो उन्हें शिकायत का अधिकार है ना? संवैधानिक पद पर जवाब दीजिए सर। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं, 2021 के चुनाव परिवर्तन का बात उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा संविधान के अंदर रहकर कहा है कि चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो और आप वोट डालें। हर आदमी अपील करता है कि आप वोट डालें, आप हर आदमी, कोई भी राष्ट्रपति भी बोलते हैं, आप भी बोलती हैं, हम भी बोलते हैं कि आप अपना वोट डालें। बंगाल में वोट डालने नहीं दिया जाता है। और संविधानिक वो दिखाई देते हैं, इंटरव्यूज हो, स्टेटमेंट हो, उनके ट्वीट्स हो, जिस कदर वो मुखर दिखाई देते हैं, इतना मुखर देश के बाकी राज्यों में कौन से राज्यपाल दिखाई देते हैं? इसलिए अर्जुन सिंह जी ये आरोप है। ये भारत के संविधान में कहां कहा गया है रोहिंग्या? ठीक है शाकिर जी, सुनिए, अर्जुन सिंह जी ये आरोप इसलिए है, जितने मुखर वो दिखाई देते हैं, उनके इंटरव्यूज हो, उनके ट्वीट्स हो, उनके स्टेटमेंट्स हो, ये सवाल इसलिए उठ रहा है। क्या क्यों नहीं बोलेंगे? अगर अगर गवर्नर साहब संविधान के तहत रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए, बंगाल में जो सरकार गलत काम कर रही है, हजारों हजारों करोड़ रुपया का यहाँ घपला हो रहा है, एक खास आज देखिए, सिर्फ और सिर्फ 2,500 करोड़ रुपया का ये कोरोना महामारी के जो समय में जो हो रहे हैं, जिनका आप आरोप लगा रहे हैं, उस चेक एंड बैलेंस के लिए घपला हो रहा है, उस चेक एंड बैलेंस के लिए बाकी एजेंसी है ना काम करने के लिए, और जवाब नहीं दी जाती है उनको। जिन जिन चीजों पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके चेक एंड बैलेंस के लिए केंद्र और राज्य दोनों में एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन के लिए।
उस पर राज्यपाल तो नहीं आएंगे ना बीच में। बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन जब कोर्ट में हो रहा है, दस बजे मीनाक्षी जी को बाकी मेहमानों से भी जवाब देने दीजिए। आशुतोष जी, तो पुलिस वाले मारते हैं सीबीआई को, सीबीआई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि दिलीप घोष की जो भाषा है वो लगातार हिंसा का वातावरण पश्चिम बंगाल में बना रहे हैं। आपको याद होगा कि सीए का आंदोलन जब चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि काट की ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो कुत्ते की तरह मारना चाहिए। आपको याद नहीं होगा उन्होंने कहा था कि उदाहरण दिया था उत्तर प्रदेश का। तो एक आदमी लगातार पिछले डेढ़ दो सालों से लगातार हिंसा का वातावरण बना रहे हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि जो बात आज दिलीप घोष ने कही है, यही बात अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कही होती तो क्या होता। उन्होंने आज क्या कहा कि हिंदू समाज हथियार उठा ले, क्या किसी नेता को भाषा इस्तेमाल करना चाहिए? आप जिहादी का काम कर रहे हैं, इस्तेमाल करना चाहिए? अर्जुन सिंह जी सुन लीजिए प्लीज, आपने बोलिए ना, एक बार उनको भी सुन लीजिए प्लीज, उनका कमेंट कंप्लीट होने दीजिए। जी आप चुप रहे, मैंने आप जब आप बोले तो मैंने आपको बीच में नहीं बोला, कृपया मुझे टोके ना, बिल्कुल नहीं टोके आप मुझे। तो ये जिस भाषा का इस्तेमाल आज दिलीप घोष कर रहे हैं और बीजेपी और केंद्र की सरकार इसको बैठ कर देख रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुस्तान के संविधान में आप किसी भी जाति धर्म आधार पे आप ना तो किसी का आप आकर्षित कर सकते हैं और ना ही उनके आधार पे आप बातें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदू हिंदू समाज हथियार उठा ले, ये कौन सी भाषा है? आप कहते हैं मैं दस दस घर जमीन पीछे गाड़ दूंगा, मैं चमड़े निकाल दूंगा और इतना मारो कि फिर याद रहे आगे बात, ये कौन सी भाषा है? तो ये जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये भाषा अंततः न केवल पश्चिम बंगाल को बल्कि पूरे देश को लेकर डूब जाएगी। अगर इस देश के अंदर ये तय होने लगेगा, अगर संविधान पर बैठे हुए लोग सांसद एमएलए अगर ये तय करने लगेंगे कि कानून मेरे हाथ में है, मैं लोगों से कहूंगा जो हथियार उठा ले, त्रिशूल उठा ले, बंदूक उठा ले, तो फिर आप समझिए क्या होगा। फिर मैं भी कल बंदूक उठा लेता हूँ, आप भी बंदूक उठा लीजिए और हमारे जो संगीत रागी भी बंदूक उठा ले, सब लोग बंदूक उठा ले, तो फिर संविधान का क्या मतलब, कानून का क्या? अगर पश्चिम बंगाल के अंदर कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से अगर ममता बनर्जी की सरकार नहीं चल रही है तो आप उस सरकार को बर्खास्त कर दीजिए, उसकी जगह आपको धारा 356 लगाइए। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाए, इसकी इसकी जिम्मेदारी हर नेता को और दल को समझने की जरूरत है।